नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिन लोगों की कुंडली में दसवें भाव में यानी कि कर्म स्थान पर शनि है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लें, ताकि ऐसी ही तमाम जानकारी भरी वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। हाँ, आप में ऐसी इच्छा है, ऐसी भावना है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को हो, तो प्लीज हमें शेयर करना ना भूलें। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कर्म स्थान यानी कि दशम भाव में जब शनि बैठता है तो क्या लाभ देता है। साथियों, ऐसा व्यक्ति जो है, पहली चीज प्रवासी होता है, घूमने फिरने का, भ्रमण का, विदेश भ्रमण का बहुत शौकीन होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है और साथ ही साथ जीवन के उत्तरार्ध में जो है बहुत बड़ी उन्नति करता है। अचानक जीवन में सफलता उसे प्राप्त होती है, उच्च पदाधिकारी होता है, श्रेष्ठ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, बलवान तो होता है, एक अच्छा लेखक कवि भी होता है, वो गद्य में हो या पद में हो, अच्छा लेखककार होता है, अच्छा ग्रंथकार होता है। और एक चीज, वैसे शनि क्रूर ग्रह है, लेकिन दशम स्थान में बैठ अगर किसी जातक की कुंडली में बैठा है, ऐसा व्यक्ति बड़ा भावनात्मक होता है, थोड़ी थोड़ी बात में उसका मन दुखी हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत भावुक होता है और भावुक होने के कारण ही वो जीवन में अच्छा लेखक, अच्छा कवि, अच्छा ग्रंथकार बनता है। ज्योतिष के क्षेत्र में भी ऐसे जातक की अभिरुचि होती है जिनकी पत्रिका में दसवें भाव में शनि बैठा होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है, ऐसे व्यक्ति समाज में तो सम्मान पाते हैं, साथ साथ इनका जो सम्मान है वो राज्य सरकार या देश की जो सरकार है वो भी इनको सम्मान देती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, राजनीति में आकर राजनीति में कामयाब हो सकता है। और कामयाबी का कारण क्या है, ऐसे लोग महत्वाकांक्षी भी होते हैं, इनकी इच्छाएं भी बहुत हुआ करती हैं, व्यवसाय में भी ये सफल होते हैं, जिस व्यवसाय में हाथ डालते हैं उसमें सफल होते हैं, खासकर यदि ये लोखंड का व्यवसाय या कोयले का व्यवसाय या शनि से रिलेटेड जो व्यवसाय है, वकील एक अच्छा हो सकता है, गणितज्ञ एक अच्छा हो सकता है, तो ऐसे व्यवसाय करके ये जीवन में सफल भी होते हैं। और एक चीज़ है, सावधानी इन्हें जीवन में बहुत रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी तेजी से इनका उत्थान होता है उतनी ही तेजी से इनका पतन भी होता है, और पतन का कारण कभी कभी ये खुद बनते हैं, क्योंकि ये अतिशय विश्वास कभी कभी लोगों पर करते हैं, जिसका खामियाजा इन्हें उठाना पड़ जाता है और जीवन में जो है बहुत ही उच्च से गिरकर निम्न स्तर की पोजीशन पर आना पड़ जाता है, यही एक कारण होता है, क्योंकि अगर नहीं संभलेंगे तो इनका जो धन है वो भी विनाश होने की स्थिति में होता है, क्योंकि टॉप पे पहुंचते हैं उसके बाद एकदम से सब गड़बड़ होता है इनके साथ, व्यवसाय में भी असफलता इन्हीं सब कारणों से होती है, राज्य में भी अगर अपमान होगा तो इन्हीं कारणों से होगा। और यदि शनि उच्च का है, अच्छा है दशम भाव में या स्वयं राशि में है, तो बहुत अच्छे फल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में बहुत तरक्की करता है। बस स्त्री की ओर से थोड़ा सा परेशान होता है, स्त्री कलेश का वातावरण होता है, इसलिए स्त्रियों पर बहुत अधिक विश्वास करना भी ठीक इनके लिए साबित नहीं होता, अपने को संभाल कर इस मामले में रखना चाहिए। भाग्यवान है, धनवान है, पिता से बहुत सुख प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को, है ना, और माता से थोड़ा न्यून होता है, लेकिन टोटल मिला के जो है सुखी जीवन ही व्यतीत करता है यदि दशम भाव में जिसके शनि बैठता है। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लें, ताकि ऐसी ही तमाम जानकारी भरी वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। हाँ, आप में ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को हो, तो प्लीज हमें शेयर करना ना भूलें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे। धन्यवाद।